वेलकम बैक। कनाडा से खबर शामिल करेंगे आपको। बताएं कनाडा की कंजर्वेटिव जमात के रहनुमा एंड्रयू शेयर की जानिब से उनकी जमात के माहौलियात से मुतालिक प्लान का ऐलान कर दिया गया है। उनका कहना है कि वो कनाडा के कार्बन में कमी के अहदाफ को पूरा करेंगे और मौजूदा कार्बन टैक्स को खत्म कर देंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की कंजर्वेटिव जमात के रहनुमा एंड्रयू शेयर की जानिब से उनकी जमात के माहौलियात से मुतालिक प्लान का ऐलान कर दिया गया है। उनका कहना है कि वो कनाडा के कार्बन में कमी के अहदाफ को पूरा करेंगे और मौजूदा कार्बन टैक्स को खत्म करेंगे। प्लान जो 60 सफात पर मुश्तमिल, उसमें ग्रीन टेक्नोलॉजी और टैक्स खत्म करने पर गौर किया गया है, जो कि उसमें ग्रीन हाउस गैसों के अखराज में कमी करने पर सख्ती से अमल किया जाएगा। और अगर गैसों का अखराज बढ़ता है तो जिम्मेदार कंपनीज को इस बात का पाबंद किया जाएगा कि वो हुकूमती सर्टिफाइड ग्रीन टैक कंपनियों के फंड में सरमायाकारी करे। शेयर का कहना था कि हम कनाडा में ज्यादा से ज्यादा नौकरियां पैदा करना चाहते हैं, इसके साथ साथ आलमी सतह पर कार्बन के अखराज को भी कम करना चाहते हैं। अक्वामे मुत्तहदा की पनाहगुज़ीन एजेंसी का कहना है कि गुज़िश्ता साल कनाडा में सबसे बड़ी तादाद में पनाहगुज़ीन बहाल हुए और पनाहगुज़ीनों की जानिब से शहरियत हासिल करने में कनाडा दूसरे नंबर पर है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अक्वामे मुत्तहदा की पनाहगुज़ीन एजेंसी का कहना है कि गुज़िश्ता साल कनाडा में सबसे बड़ी तादाद में पनाहगुज़ीन बहाल हुए और पनाहगुज़ीनों की जानिब से शहरियत हासिल करने में कनाडा दूसरे नंबर पर है। UNHCR की सालाना ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में दुनिया भर के 25 ममालिक जहां पनाहगुज़ीन पहुंचे, उनमें पनाहगुज़ीनों की कुल तादाद 92,400 है, जिनमें 28,100 कनाडा पहुंचे। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल 18,000 पनाहगुज़ीनों ने कनाडा की शहरियत हासिल की। कनाडा दुनिया भर में पनाह हासिल करने वालों में नवे नंबर पर रहा, जिनमें 25,400 दरख्वास्तें मौसूल हुई। UNHCR कनाडा के सीनियर रीसेटलमेंट ऑफिसर माइकल कैसासोला का कहना है कि कनाडा पनाहगुज़ीनों को खुशामदीद कहने में लीडर की हैसियत रखता है, तहम पनाह हासिल करने के ख्वाहिशमंद अफराद रवा खजा में होने वाले इंतखाबात में अहम मसला बन सकते हैं। टोरंटो से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं टोरंटो रैप्टर्स के हेड कोच निक नर्स का कहना है कि कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के साथ मुलाकात के लिए बातचीत चल रही है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। टोरंटो रैप्टर्स के हेड कोच निक नर्स का कहना है कि कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के साथ मुलाकात के लिए बातचीत चल रही है। नर्स का कहना था कि उन्होंने व्हाइट हाउस की जानिब से एजाजी मुलाकात से मुतालिक कुछ नहीं सुना, तहम उनकी टीम ओटावा के साथ रबते में है। उनका कहना था कि ट्रूडो के साथ मीटिंग लाजमी होगी क्योंकि इस हवाले से उनसे पूछा गया है। मुकामी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निक नर्स का कहना था कि व्हाइट हाउस से कोई रबता नहीं किया गया क्योंकि हम कनाडा की टीम है। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने ईरान की जानिब से अबनाए हर्म्स के करीब अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने ईरान की जानिब से अबनाए हर्म्स के करीब अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ईरान ने अबनाए हर्म्स के करीब अमरीकी ड्रोन मार गिराया। पासदाराने इंकलाब ने अमरीकी ड्रोन RQ-4 ग्लोबल हॉक ईरान के सूबे हर्म्स गान के करीब इलाके कोहे मुबारक में गिराया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के तर्जुमान कैप्टन बिल अर्बन ने फिलहाल इस मामले पर कोई भी तबसरा करने से इंकार कर दिया है। वाज़ेह रहे कि एक हफ्ते कबल भी खलीज उमान में अमरीकी ड्रोन को निशाना बनाकर मिसाइल हमला किया गया था जो नाकाम रहा था, तहम तेहरान ने उन हमलों की जिम्मेदारी लेने से इंकार कर दिया था। सऊदी अरब के वजीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा आदिल अल जुबैर ने जमाल खाशकदजी के कत्ल पर अक्वामे मुत्तहदा की रिपोर्ट को बेबुनियाद करार दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब के वजीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा आदिल अल जुबैर ने जमाल खाशकदजी के कत्ल पर अक्वामे मुत्तहदा की रिपोर्ट को बेबुनियाद करार दे दिया। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब के वजीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा आदिल अल जुबैर ने कहा है कि अक्वामे मुत्तहदा की रिपोर्ट में कुछ नया नहीं, ये बातें पहले ही मीडिया पर आ चुकी हैं। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में लगाए गए बेबुनियाद इल्जामात रिपोर्ट की साख को मुतासिर करते हैं। अक्वामे मुत्तहदा ने अपनी गैर पाबंद रिपोर्ट में पहले से मीडिया में शाया और नशेशुदा अशात का अयादा किया है। आदिल अल जुबैर ने कहा कि उस वक्त सऊदी अरब में जमाल खाशकदजी कत्ल केस की तहकीकात और उनके कत्ल में मुलव्वस मुश्तबा अफराद के खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है। उनका कहना था कि सऊदी अदलिया खाशकदजी केस में मुकम्मल बाख्तियार मिजाज अथॉरिटी है और वो मुकम्मल आजादी के साथ काम कर रही है। वाज़ेह रहे कि अक्वामे मुत्तहदा का अपनी रिपोर्ट में कहना था कि सऊदी सहाफी जमाल खाशकदजी के कत्ल पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से तफ्तीश होनी चाहिए, शवाहिद मौजूद हैं, सऊदी हुकाम कत्ल में मुलव्वस हैं। शिमाली कोरिया
سے کشیدگی کے خاتمے کے لیے امریکہ بغیر کسی شرط کے ایک بار پھر مذاکرات کے لیے راضی ہو گیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ شمالی کوریا سے کشیدگی کے خاتمے کے لیے امریکہ بغیر کسی شرط کے ایک بار پھر مذاکرات کے لیے راضی ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان سے مذاکرات کے لیے حامی بھر چکے ہیں، البتہ شمالی کوریا نے انکار کر دیا تھا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق کم جونگ ان نے موقف اختیار کیا ہے کہ مذاکرات کے لیے امریکہ کو اپنی پابندیاں ختم کرنی ہوگی۔ البتہ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے ساتھ مذاکرات کی بحالی کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، تاہم ساتھ ہی اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ پیونگ یانگ کو جوہری صلاحیت کے خاتمے کے لیے زیادہ اقدامات کرنے چاہیے۔ دریں ایسا امریکی صدر کو شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کی طرف سے ایک نیا خوبصورت خط بھی موصول ہوا ہے، جس میں مثبت خیالات کا اظہار اور جوہری پروگرام کے خاتمے کی بات کی گئی ہے۔ امریکہ کے خصوصی مندوب اسٹیفن بیگن کا کہنا تھا کہ شمالی کوریا نے گرم جوشی پر مبنی تعلقات کے لیے اپنا جوہری پروگرام ترک کرنے کی پیشکش کی ہے، تاہم بامائی نے مذاکرات کے لیے قابل تصدیق اقدامات ضروری ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ٹی این این ٹی وی کے اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی این این ٹی وی۔